आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में, जिसे हम कई पार्ट में समझेंगे, क्योंकि यह चैप्टर ना केवल आपके सिलेबस के लिए बल्कि आपकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है जैव प्रक्रम, क्या होता है जीव, क्या होता है पोषण, कितनी विधियां हैं पोषण की, ये सारी जानकारी, और साथ ही साथ हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भोजन में हमें क्या क्या मिलने वाला है, ये सारी जानकारी आज आप विस्तार से समझने वाले हो। तो अंत तक बने रहिएगा, समझते हैं बात को। जैव प्रक्रम क्या होता है, पहले कभी भी कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का अर्थ समझने की कोशिश करें कि चैप्टर, जैसे कोई मूवी आप देखते हो उसका नाम कुछ होता है, जैसे दिल जला, है ना, नाम से लग रहा है कि जला दिल वाला कोई होगा, है कि नहीं। मतलब जो मूवी वगैरह के नाम या किसी भी गांव का नाम, किसी क्षेत्र, किसी चीज़ का नाम दिया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है। तुम लोग तो दिल जले में अटके हो, दिल जले से बाहर आइए, है ना। जैव प्रक्रम, जैव माने क्या होता है भाई, जैव मीन होता है जीव, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप जानते हो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था, तो पृथ्वी पर सबसे पहले प्रोटोजोवा के जीव आए थे, जो क्या थे, जो थे बेटा एक कोशिकी, क्या थे एक कोशिकी। माना जाता है इन्हीं एक कोशिकी जीवों से आज बहु कोशिकी जीवों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्यों हमने ये समझा, क्योंकि हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम, और जैव को हम कहते हैं जीव। जीव क्या होता है आप जानते ही हो, जीव किसे कहते हैं, वह वस्तु जो भोजन, वृद्धि, उपापचय, जनन, गति आदि लक्षण प्रकट करे वो क्या है, जीव है। या फिर यूं कहे जिसमें जीवन है वही क्या है, जीव है। अब हम बात समझ रहे हैं आपके चैप्टर का, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम जीव कैसे बना, एक सबसे पहले एक कोशिकी जीव आया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो आज जो हम विशाल हाथी देखते हैं वो कहाँ से आया, हम जो जिराफ देखते हैं वो कहाँ से आया, तो इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है समझते हैं, ध्यान से समझना। जैव प्रक्रम तो सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण ही, सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण ही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। मतलब ये पॉइंट कहना चाहता है कि हमारे आसपास जितने भी विशालकाय जीव है, जितने भी बहुकोशिकी जीव है, उनका निर्माण किससे हुआ होगा, सरल जीवों मतलब छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं वो जब इकट्ठा, कई कोशिकाएं इकट्ठा हो गई तो विशालकाय जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी कि सरल जीवों से जटिल जीवों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है बाबू क्या, जैव प्रक्रम। चैप्टर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, जैव प्रक्रम। कभी भी कोई पूछे जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हो, तो सरल जीवों से जटिल जीवों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जैव प्रक्रम। एक पॉइंट आपकी बुक में दिया हुआ है, जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं, जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो एक जीव अपने जीवन काल में जितनी प्रक्रियाएं करता है उसे कहते हैं जैविक प्रक्रिया। जैसे आप मान लो एक कुत्ता क्या क्या करता है, तो पहले काटता है, पहला काम काटना, तो काटना क्या है, एक जैविक क्रिया है। आप बताओ ये घड़ी आपको दौड़ा के काटेगी नहीं, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है, तो ये जैविक प्रक्रिया इसके लिए नहीं। जैविक का मतलब जीव द्वारा, क का मतलब करने वाला, या देखो ना इधर समझो, जैविक, जैव माने क्या होता है बेटा, जीव होता है, और जैविक मतलब जीव द्वारा करने वाली या किए जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, जैविक क्रिया कहलाती है। दौड़ना, खाना, कूदना, झगड़ा करना, ये सब क्या है, ये सब सभी के सभी क्या है, जैविक प्रक्रियाएं हैं।
तो कोई जीव अपने जीवन काल में जितनी प्रक्रियाएं जो प्रक्रियाएं करता है उसे हम कहते हैं जैविक प्रक्रिया। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं? तो जय प्रक्रम समझ में आ गया। याद रखना, जीव जरूर याद रखने की कोशिश करना, जीव वह होता है जो भोजन उपापचय गति आदि लक्षण प्रकट करे, प्रदर्शित करे, वो क्या है? जीव है। यहां तक खत्म। अब समझेंगे पोषण, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा लाइटली समझ लो पोषण क्या होता है। पोषण किसी भी जीव की आधारभूत इकाई है। मतलब अगर कोई भी जीव पृथ्वी पर अस्तित्व में बना रहना चाहता है तो वो पोषण की प्रक्रिया से जरूर गुजरेगा। अगर आपको बड़ा होना है, अगर वृद्धि करेंगे, उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आप गति करोगे, मोशन को अगर आप दिखाना चाहते हो, मूवमेंट को आप दिखाना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जनन, संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? जनन। ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? मतलब हर प्रोसेस के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है। वो ऊर्जा हमें किस प्रक्रिया के फलस्वरूप मिलती है? वो प्रक्रिया कहलाती है पोषण, जिसे आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं आपका चैप्टर क्या कहता है। जिस प्रकार से आप अलग अलग मशीनें देखते हैं, आपकी साइकिल है, हालांकि साइकिल तो नहीं लेती एनर्जी, लेकिन आपकी एनर्जी वो लेती है। मोटरसाइकिल है, पेट्रोल से चलती है। कुछ मोटर कारें हैं जो डीजल पेट्रोल दोनों से चलती है, सीएनजी से चलती है, है ना, एलपीजी से चलती है। लेकिन एलपीजी, सीएनजी, ये पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? एनर्जी का एक स्रोत है ना, ऊर्जा के एक सोर्स है ना। मतलब जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको अपने या किसी जीव के शरीर को चलाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो हमें किससे मिलने वाला है? भोजन से मिलने वाला है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब आप पोषण अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो आपको आने चाहिए। आगे बात करेंगे जीवों में होने वाली जो क्रियाएं हैं। जय प्रक्रम समझ में आ गया। अब जो जीव है वो अपने आसपास कितने तरीके की प्रक्रिया करता है, एक जीव कितने तरीके की प्रक्रियाएं दर्शाता है, तो दो तरीके की प्रक्रियाएं दर्शाता है, जिसको आप ध्यान से समझोगे। पहली प्रक्रिया है उपचयी, दूसरी प्रक्रिया है अपचयी। अब बात आएगी ये उपचयी क्या होता है, ये अपचयी क्या होता है। नाम से समझो बेटा कि जब सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ का निर्माण करे, जब सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कौन सी प्रक्रिया? उपचयी प्रक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। फार्मूला आपको याद होगा प्रकाश संश्लेषण का, तो CO2 प्लस H2O, एरो के ऊपर कुछ रहता है बेटा, वो रहता है क्या? ऊपर रहता है सूर्य का प्रकाश और पौधों की पत्तियों में पाई जाती है क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति में पौधा क्या बना देता है? अपना भोजन बना देता है, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं उपचयी अभिक्रिया प्रक्रिया के बारे में। हमारे आसपास जो जीव है वो दो तरीके की प्रक्रियाएं करते हैं, एक तो उपचयी और दूसरी अपचयी। अब ध्यान लगा के समझना कि जब सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ का निर्माण करे वो प्रक्रिया कहलाती है उपचयी। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण को समझ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक सरल पदार्थ और पानी एक क्या है? सरल पदार्थ मिलके बना क्या दे रहे हैं? ग्लूकोज, एक जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं।
तो जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ का निर्माण करे तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? ये हो गई उपचयी। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उपचयी अभिक्रिया, उपचयी प्रक्रिया क्या होती है, तो एकदम देखो, इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है कि सरल पदार्थ मिलकर अगर जटिल पदार्थ का निर्माण करे तो वो उपचयी उपचयी। इसका एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई? अगर हम दूसरा पॉइंट समझना चाहें तो दूसरा पॉइंट है हमारा अपचयी अभिक्रिया। अपचयी के बारे में, अपचयी प्रक्रिया क्या है, तो एकदम इसका उल्टा कर दो। अब जटिल पदार्थ क्या बना दे? अब आप इसका एग्जाम्पल समझो, श्वसन और पाचन। श्वसन और क्या? पाचन। अब बताओ श्वसन की जरूरत क्यों पड़ती है? श्वसन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? देखो आप, मैं जब आपको श्वसन, केवल श्वसन में केवल हम ऑक्सीजन थोड़ी लेते। श्वसन कहते किसे हैं? श्वसन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। भोजन के विघटन की एक प्रक्रिया है। देखो प्रकाश संश्लेषण करके खाना बन गया, अब इस ग्लूकोज को C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना, तोड़ देना। देखो जटिल पदार्थ को किसमें बदला जा रहा है, सरल पदार्थ में, यानी कि CO2 और प्लस H2O, यानी कि इसको O2 करिए ना, हाँ ठीक है, CO2 प्लस H2O। समझो बात को। या फिर आप जो खाना खाते हो, आप जो खाना खाते हैं, जो भोजन है आपका, वो किस दौर से गुजरता है? पाचन। जानते हैं कि नहीं जानते हैं भोजन किस दौर से गुजरता है? पाचन से। तो पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पाचन कैसी अभिक्रिया हो गई? बात समझ में आई कि नहीं? जटिल पदार्थ किसमें टूटे? सरल। जटिल पदार्थ टूट के सरल पदार्थ का निर्माण करे तो वो कैसी अभिक्रिया हो जाती थी? वो अपचयी हो जाती है। तो जो जीव होगा उसके शरीर में दो तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, पहली होती है उपचयी और दूसरी होती है अपचयी। उपचयी में जब सरल पदार्थ मिलके जटिल पदार्थ का निर्माण करे वो क्या है, वो क्या है, वो है उपचयी। और जब जटिल पदार्थ मिलके सरल पदार्थ का निर्माण करे वो हो गई अपचयी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें, श्वसन और पाचन, सबसे सटीक बैठेगा आपके दिमाग में पाचन, क्योंकि पाचन की परिभाषा हमें बार बार याद दिलाई जाती है। जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या है? अरे भाई जो खाना आप खाते हैं वो किस अवस्था में है, ठोस या फिर आप लिक्विड में लेते हैं? तो लिक्विड में तो खाएंगे ही नहीं, हर चीज़ तो रोज रोज तो लिक्विड खाएंगे नहीं, ठोस। टूट के किस में आता है? तो ये कैसा है? ये जटिल है ना जी, कठोर है, ये किस में बदल रहा है? सरल में। तो जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आ गई? मतलब अपचयी उपचयी दिमाग में एकदम फीड करके रखिए। सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बना तो वो उपचयी। प्रकाश संश्लेषण इसका एग्जाम्पल। अगर जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बना तो वो अपचयी। इसका एग्जाम्पल क्या है? श्वसन और पाचन। अब आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ। इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये, पोषण क्या होता है। तो देखो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया भाई, अगर जैसे देखो 26 जनवरी को आपको लड्डू मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, हाँ भाई बोलो एनर्जी, देखो आप झूठ नहीं बोलते, हाँ मिलता है ना। तो उसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? कई लोग ऐसे हैं जो मतलब लड्डू खाने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब कई लड़के इस ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो कोई ऐसा है जो दौड़ता हुआ भाग के घर जाएगा, एनर्जी ख़त्म, लड्डू में कितनी ऊर्जा ही मिलेगी, है कि नहीं? कई लोग तो कहते हैं सर जी बस एक लड्डू देख भाँका दिए, और बेटा एक लड्डू बड़ा है ना, वो मौके पर मिलने वाला है। कई लोग तो मुझे लगता है लड्डू एक वजह से आते हैं, है ना। फिलहाल तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो समझो, आप जब लड्डू खा लिए तो आप उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कई लोग क्या करते हैं, दौड़ के घर जाते हैं। तो कई लोग दौड़ के घर जाते हैं, कपड़ा चेंज करके कई लोग दूसरे स्कूल में पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? कई लोग साइकिल चला के कट मारने में एनर्जी लॉस कर देते हैं,
ये लॉस हो रही है कि नहीं, एनर्जी लॉस हो रही है। बात क्या है कि जिस प्रकार से जब आप भोजन कर लेते हो तो जो आपको ऊर्जा मिलती है उसका इस्तेमाल आपके शरीर की कोशिकाएं कैसे करती हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे आपने लड्डू से जो ऊर्जा मिली उसका कहाँ इस्तेमाल किया, वो तो आप जानते हो, लेकिन हम पोषण को एकदम डिफाइन करना, देखो आसानी से, ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल, ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल शरीर की कोशिकाएं जिस प्रकार से वृद्धि विकास अन्य जैविक प्रक्रियाओं में उसका उपयोग करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, फिर से समझो एक बार। ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल शरीर की कोशिकाएं जिस प्रकार से शरीर के वृद्धि विकास या फिर अन्य जैविक प्रक्रियाओं में करती हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, चलिए अब बात आएगी भैया भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो देखो, या फिर आप भोजन क्यों करते हैं, आपको भूख लगती है इसकी वजह से भोजन करते हैं। अब चलो एक सवाल मैंने पूछ ही लिया तो बता दूं, आपको भूख कब लगती है, आपको प्यास कब लगती है, जब आपके ब्लड में पानी की कमी हो जाती है तो आपको क्या आभास होता है, प्यास। और जैसे ही शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है हमें किस चीज़ का एहसास होने लगता है, भूख की। बात समझ में आई ना, तो देखो पहली चीज आपको भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। हम बार बार ये पॉइंट समझ रहे हैं क्यों, अरे भाई अगर आपके शरीर को चलाना है, ऐसा मत सोचना कि तुमने खाना खाया और कुर्सी पे बैठे हो तो एनर्जी नहीं लॉस होगी, बैठना भी क्या है, क्रिया है, और बैठोगे तो देखोगे, जरूर है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और देखना क्या है, और देख लोगे, तुमको कोनो कुछ दे, वो भी अगर देख लिया, सामने वाला भी देख लिया, अगर वो कुछ कह दिया तो बोलोगे जरूर, और बोलेंगे तो बोलना भी क्या है, और जब क्रिया करेंगे तो एनर्जी लॉस होबे करेगी, समझ रहे कि नहीं बात को। तो आपको भोजन क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत होती है भोजन की, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, आपके हर अंग को सही तरीके से सुचारू रूप से काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ऊर्जा की। तो भोजन से हमें पहली चीज़ क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसका इस्तेमाल मैंने अभी अभी बताया कि कोशिकाएँ अलग अलग तरीके से करती हैं। अब दूसरा पॉइंट है शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर आप देखते हो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं छोटे छोटे बच्चों को अच्छा वाला दूध पिलाइए, कहते हैं ना, तो उस क्यों जरूरत, हाँ अमूल तुम प्रचार कर लो अमूल, तो फिर अमूल स्प्रे, फिर लैक्टोजन लेस्टोजन, है ना, प्रचार कर लो गाय का बकरी का, तुम्हारे पास बकरियों का कोई वैरायटी है वो लाओ हम प्रचार कर लें, हम तो प्रचार करने बैठे हैं, इधर देखिए। तो क्यों, शरीर की वृद्धि के लिए पहला ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, दूसरा शरीर की वृद्धि, याद रखना शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, नाइट्रोजन N2, फार्मूले की बात करें तो N2, वैसे समझे संकेत की बात करें तो N, क्यों N2 लगा है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ये क्या है, द्विपरमाणुक है, है ना, जो अणु होते हैं वो कितने, एक परमाणु हो सकते हैं, द्विपरमाणु हो सकते हैं, त्रिपरमाणु हो सकते हैं, चतुर परमाणु हो सकते हैं, और बहुपरमाणु होते हैं, समझ रहे हैं। फिलहाल हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो क्यों जरूरत पड़ती है, तो पहली ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, दूसरा शरीर की वृद्धि के लिए। तो शरीर आप जो भोजन करते हैं, भोजन में आपको लगभग 7 अवयव मिलते हैं, अलग अलग बुक में, किसी किसी बुक में 6 अवयव देता है, किसी किसी 7, जैसे आप समझ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भोजन में आपको सबसे पहले क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, पहले आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपको मिलेगा वसा, तीसरा आपको मिलेगा विटामिन, और चौथा आपको मिलेगा प्रोटीन, और पांचवा आपको मिलेगा खनिज लवण,
और छठा आपको मिलेगा जल। अब देखिए खनिज लवण को भी खनिज में भी जो खनिज लवण होते हैं जल को भी उसी में रखा जाता है, तो कई कई बुक में जल को खनिज वाले में डाल देता है। और सातवां आपका होता है बेटा रुच्छांश, जो चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं वो रुच्छांश की कैटेगरी में आती हैं। तो भोजन में आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं, ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग काम में आती हैं जिसको हम अभी समझने वाले हैं। तो शरीर की वृद्धि, अब अगर आपके किसी भी जीव के शरीर का विकास करना है, उसे आकृति में परिवर्तन है, तो आप खाना खाओगे। डॉक्टर आप नहीं कहते हैं कि भाई शरीर में कुछ लग नहीं रहा है, तो डॉक्टर आपको कहता है ये खाया करिए वो खाया करिए, क्यों? क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व हैं वो किस, मतलब अगर आपको शरीर को बड़ा करना है, वृद्धि है, तो किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? नाइट्रोजन की। तो ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन का सिलेंडर ला के पूरा हरदम दिन भर नाइट्रोजन में देते रहो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ये वृद्धि को प्रेरित करने वाला है। तो हम बात क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए। अब अगला पॉइंट है टूट फूट की मरम्मत। प्रोटीन चाहिए भाई इसके लिए। क्या चाहिए? प्रोटीन। अगर शरीर में आप बैठे हो, हमारे शरीर में हमेशा कोशिकाएं, लगभग 20,000 कोशिकाएं रोज मरती रहती है, बनती रहती है, मरती रहती है, बनती रहती है। तो जो वो मर रही हैं उनकी मरम्मत कौन करेगा? उसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? प्रोटीन वाली चीज़ें। और याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। किस में? दाल में। इसीलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि दलहनी फसलें ज़्यादा खाया करें, जब अगर आपको क्या है शरीर में जो ज़्यादा रोग भी हो जाए तो भी। अब चलो रोगों से रक्षा, टूट फूट की मरम्मत समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपके शरीर में कोशिकाएं मरती हैं, आप लगातार चोटिल रहते हो, तो जो आपको दवा दी जाएगी या फिर जो आपको खाना खाने के लिए कहा जाएगा वो प्रोटीन से लेस होगा, मतलब उसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होगी। अब आगे है रोगों से रक्षा करने का काम जो होता है बेटा, वो होता है विटामिन का। किसका होता है? विटामिन का। आप देखते हैं अगर एक भी विटामिन कम हो जाती है, जैसे आप जानते हैं विटामिन ए बी सी डी ई के, जानते हैं ना, एक भी विटामिन कम हो जाती है तो आप रोग से ग्रसित हो जाते हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जरूरी है आपके भोजन में, ये सारी चीज़ें आपके भोजन में चाहिए। और भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति हो सके, शरीर की वृद्धि हो सके, टूट फूट में मरम्मत हो सके और हमें कोई रोग ग्रसित ना कर ले। इसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? भोजन की पड़ने वाली है। आगे हम पढ़ेंगे पोषण की विभिन्न विधियाँ, जैसे स्वपोषण, परपोषण, परपोषण के प्रकार। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।